बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ मूली की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये हैं इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स। कढ़ाई में ऑयल डाल दें और ऑयल को गरम कर लें। अब इसमें लाल वाली साबुत मिर्चें फ्राई कर लें। इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। अब इसमें चॉप लहसुन शामिल कर दें। अब इसको हल्का गोल्डन होने तक पकाएं। जब मिर्चें अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और लहसुन हल्का गोल्डन हो जाए, अब इसमें तमाम मसाला जात, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर दें और मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें कद्दूकस की हुई मूली, और चॉप किए हुए इसके पत्ते शामिल कर दें। ये तमाम सब्जी मसाले में डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाला सब्जी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब मसाला सब्जी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। 10-15 मिनट बाद इसको चेक कर लें और मिक्स कर लें। जब सब्जी का पानी खुश्क हो जाए तो इसको मिक्स करते हुए भून लें ताकि सब्जी अच्छी तरह भुन जाए। 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। अब इसको डिश में निकाल के डिश आउट कर लें। इसको चपाती, रोटी और पराठे के साथ सर्व करें। आपकी मूली की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी खाने की वीडियो लाते रहें। थैंक यू।